नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी सांसद मलूक नागर साहब मौजूद है, जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, जो मुद्दे की बात बोलते हैं। मलूक साहब, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। किस तरह से देख रहे हैं, किसान बिल पर चर्चा हुई, हरसिमरत कौर इस्तीफा दे दिया, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि ये सब दिखावा हो रहा है, किसानों को क्या अब ये लुभाने वाली बात अब दिखावे की ओर चल पड़ी है क्या? आखिरकार ये हो क्या रहा है? सड़कों पे किसान है जिस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या किसान सिर्फ वोट बैंक है कि जिस दिन वोट डलेगा उस दिन उसकी याद आएगी, बाकी सरकार भूल जाएगी, इस्तीफे चलते रहेंगे दिखावे के? देखिए, अमरिंदर जी अगर ये कह रहे हैं तो उनको अपना 2019 का जो उनका चुनाव लड़ने का क्या बोलते हैं उसको चुनाव घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, उसमें साफ यही मांगे करी हैं जो सरकार ने कही हैं। अभी तो कांग्रेस तो पहले आज़ादी से अब तक खुद देश को खाना खिलाने वाले किसानों के साथ खिलवाड़ करती आई है, इसलिए इस तरह का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। चाहे पक्ष में हो कोई, चाहे विपक्ष में हो कोई, अगर सही बात करे तो उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम सुखबीर सिंह बादल ने हिम्मत करी है और सरकार में रहते हुए इस बिल का विरोध करा है और इस्तीफा दे के पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी है। और हमारी कुमारी बहन मायावती जी ने भी इस पे ट्वीट किया है। तो जो इस बिल में जिस तरीके से ज़्यादातर मार्केटिंग हो रही है हर जगह हर चैनल पे कि हमने बिचौलियों को और दलालों को निकाल दिया है, तो आज सुबह लोकसभा टीवी पे मैं बोल रहा था, मैं वहाँ भी यही कह रहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि हमें समझना होगा बेसिकली ये है क्या। और उसमें जो मेन बात है वो ये रखी गई है कि किसान की फसल को खरीदने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दे दिया है कि तुम उनकी चीज़ें फसलें खरीद सकते हो। आपको लगता नहीं अब औने पौने दाम पे चीज़ होगी? पूरी बात अभी हुई नहीं है। तो अभी क्या है, वो बहुत कम रेट पे चीज़ों को खरीद लेंगे और एक साल के बाद जब वो बेचेंगे तो डेढ़ गुने तक बेचना उनको अलाउ कर दिया है। तो हमारा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर डेढ़ गुना होना ही है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ चार साल में सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए हैं 325 रुपये पे, यानी कि 3% बढ़ाया है, और महंगाई बढ़ी है चार साल में जोड़ें 8% कुछ, 7% कुछ%, 6% कुछ%, सारा तो 28% कुछ% बैठती है, जो 90 रुपये बढ़ा हुआ रेट बैठता है। तो 90 रुपये अगर बढ़ते तो बराबर होता। ये बिजनेसमैन को डेढ़ गुना कर रहे हैं तो जो 325 था 90 पे बराबर होता, तो 400 का डेढ़ गुना करना चाहिए था। तो इन्हें रेट कम से कम 550 रुपये का गन्ने का करते तो हमें लगता कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन सरकार ने सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए, कुछ भी नहीं है, उनको तुम डेढ़ गुना कर रहे हो। फिर दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनको अगर डेढ़ गुना दे रही है तो किसान को ही लोन दे दो ना, और फसल में जो लोन दे दो और वो अपनी फसल को जब बेचे, बेचने के बाद सरकार को पैसा वापस जमा कर दे, तो जो अंतर है, जो मार्जिन है डेढ़ गुने में और इंटरेस्ट के बीच का, वो बजाय बिचौले को, बजाय दलाल को जाने के बजाय सीधा फार्मर को चला जाएगा, किसान को चला जाएगा। तो जिस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, बिचौले निकाल दिए, दलाल निकाल दिए, वो है नहीं। असलियत में लाइसेंस दे दिया बिचौलों को और दलालों को और बीच में बैठ करके करेंगे, और किसान मजबूरी में जरूरत पड़ने पे औने पौने भाव में उनको दे देगा। किसान की ट्रैक्टर किस्त नहीं जाएगी, बिजली के बिल नहीं जाएंगे, बच्चों के फीस नहीं जाएंगे, छूचक नहीं जाएगा, भात नहीं जाएगा, शादी नहीं हो पाएंगी और तमाम चीज़ें नहीं हो पाएंगे। आखिर में किसान बेचारा सुसाइड करने की तरफ बढ़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, हमने ये भी कहा, आप जैसे भी कह रहे हैं, अगर सरकार किसान हितैषी है तो सरकार को किसानों के प्रतिनिधियों को, किसानों के चुनिंदे विधायकों को, सांसदों को, किसान यूनियनों को बुला करके तालमेल बैठा करके समावेश करके उनके विचारों को, जब इस कानून को लाना चाहिए नहीं था, लाना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में किसान अपनी बात रखते हैं, कोई किसान यूनियन टिकैत साहब की बना के, अम्बावता साहब की बना के, सरदार जी की बना के, भाटी जी और बहुत सारी किसान यूनियन हैं, उन पर क्या करती हैं सरकारें, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, जब दिल्ली
दिल्ली में आए थे जब देश की, वैसे प्रदेशों की, रोज उन पर लाठियाँ बजाई जाती हैं, लठ बजाए जाते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती हैं। बेसिकली किसान को तो एकदम ऐसे मान करके चलते हैं बिल्कुल कि इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन गलतफहमी में हैं। इस समय 86-87% लोग किसान हैं और ये आंदोलित अगर हो गए तो यही सरकार को बनाते हैं, यही सरकार को उखाड़ते हैं। चलिए सर, लगातार अब यूपी चुनाव की भी बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो है वो लगातार संसद में भी बोल रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में भी बोल रहे हैं, उसके अलावा हम देखेंगे सड़कों पर भी दिखाई दे। बसपा की क्या रणनीति चल रही है, किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, आम आदमी पार्टी सड़कों पर, आखिरकार बसपा भी चुप क्यों है? देखिए, हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते। हमने कभी अपनी पार्टी का आज तक मैनिफेस्टो नहीं बनाया, कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया, और जितने ज़्यादा मुद्दे जनहित के या काम हमने करे हैं, बसपा पार्टी ने करे हैं, कुमारी बहन मायावती जी ने करे हैं, क्योंकि मैं विधायक कांग्रेस से रहा हूँ, पता है मुझे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरी पार्टी से लड़ा हूँ, पहले पता है हमें, हम 14 साल से लगातार बीएसपी में हैं, उनके एमपी बने हैं, यहाँ जो काम करने का तरीका है हमने देखा है वो। हम लोग कमरे बंद करके बड़े हॉलों में मीटिंग करके आम आदमी को क्या क्या असुविधाएँ हैं, कैसे सुविधा दी जाए, कैडराइज उनको कैंप लगा करके सिखाते हैं, बताते हैं, हमारा अंदर पूरा काम चल रहा है। और जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, कांग्रेस को तो मैं कह सकता हूँ, और का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा किसी का, वो जो मेरा चुनाव था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब लड़ रहे थे, प्रियंका गांधी गई, ओ पूरा लोग सड़के भर के गई पूरी, बोला जीत के, लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं, दिखावा करते हैं, टेलीविजन पे खबर चलवा देते हैं, असलियत में काम ये नहीं कर रहे। असलियत में काम कुमारी बहन मायावती जी के जो चारों तरफ के लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो सिपा सलहार हैं उनके, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बनाए हुए हैं, उस सब लोग लगे पड़े हैं और वो रिजल्ट निकाल करके देंगे। हम करने में विश्वास करते हैं, कहने में और दिखावे में नहीं। 19 के चुनाव में तो सपा बसपा साथ रही, इस बार क्या उम्मीदें लग रही है आपको? साथ छूट रहा है, पूरा छूट गया जैसे दिख रहा है, या किसी और पार्टी के साथ, खासकर कांग्रेस के साथ गठबंधन की तो बात नहीं हो रही? देखिए, कुमारी बहन मायावती जी इतनी स्वाभिमानी हैं और इस तरह देश के लिए काम करती हैं, गरीबों के, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करती हैं, इतना मजबूत हैं, वो किसी की पिछलग्गू तो कभी हो ही नहीं सकती। जहाँ तक कांग्रेस की बात है प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ तक और किसी की बात भी है ये हमारे दायरे से बाहर की बात है, ये कुमारी बहन मायावती जी के स्तर की बात है, वही बता सकती हैं। इस मामले में हमारा कुछ ना पता है, ना हमें अधिकार है बोलने का। हमें जो जिम्मेदारी मिलती है पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, पिछड़ों के लिए, पार्लियामेंट में हम जूझते हैं, टकरते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, चीख करके पूरी ताकत के साथ कुमारी बहन मायावती जी की और अंबेडकर साहब की नीतियों को वहां पे रखते हैं। जहां तक इनकी बात कर रहे हो, जिनकी कांग्रेसियों की, राहुल गांधी सदन में होता नहीं है, सोनिया गांधी जी सदन में होती नहीं है, राहुल गांधी कभी आते हैं तो टेलीफोन पे लगे रहते हैं, इनसे होगा? उनका जो नेता सदन है, कभी अपने आप को कबूतर मार कहता है, कभी वो चिड़ी मार कहता है, कभी वो अपने आप को जेब कतरा कहता है, उसको पता ही नहीं हिंदी कैसे बोली जाती है, अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, कैसे बातें रखी जाती हैं। तो वो लोग तो कभी, जब किसानों की बात चल रही है, हम जूझ रहे होते हैं और वो लोग अपने नेताओं की सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है यूपी में, उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो कांग्रेस तो कहीं अस्तित्व में यूपी में है ही नहीं। योगी जी को भी लगभग 3.5 साल हो गए, कैसा रहा आपके हिसाब से काम? आपको क्या लगता है, योगी जी की तारीफ तो लगातार हो रही है, हर ओर हमें दिख रहा है, अब तो निशाना भी उन्हीं पर साधा जा रहा है, हर कोई समझता है कि यही हमारे कॉम्पिटिटर हैं, आपको कैसा लगता है योगी जी का? देखिए, आप सबसे बेहतर तो चैनल वाले जानते हैं, उससे भी बेहतर प्रिंट मीडिया वाले जानते हैं, उससे भी बेहतर चाय पान की दुकान पर जो लोग, गरीब लोग इकट्ठे होते हैं वो जानते हैं। आम आदमी इस बात को बढ़िया बता सकता है, क्योंकि मेरी जो ओपिनियन होगी वो बायस्ड होगी, वो न्यूट्रल नहीं होगी, वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं होगी। बाकी तो सब कुछ महसूस जो हो रहा है इस समय देश में भी और प्रदेश में भी, सब चीज़ें सबको दिख रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी का और हमारी पार्टी का भविष्य 2022 के लिए अच्छा है।
आखिरी सवाल, सुशांत मामले में लगातार जो है अब राजनीति भी दिखाई देने लगी, संसद में आवाज उठने लगी। जया बच्चन ने बोल दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रवि किशन ने नशे के बारे में जिक्र किया। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को आखिरकार? प्रश्न ही आपका पूरा क्लियर नहीं है कि आप पूछना क्या चाहते हो, क्योंकि रवि किशन का इश्यू बिल्कुल अलग है जया बच्चन का। रवि किशन ने नशे की आवाज को उठाया कि आखिरकार ड्रग कनेक्शन लगातार दिख रहा है। उसके बाद जया बच्चन अगले दिन ये बात बोल रही है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कंगना रनौत फिर जवाब देती है कि ये थाली हमने खुद कमाई है, किसी ने दी नहीं। देखिए, हमको तो एक बात सीधी सीधी पता है, कंगना रनौत जो हीरोइन है उसका घर टूटा, अगर गैर कानूनी ढंग तरीके से टूटा तो टूटना नहीं चाहिए था, गलत है। सुशांत सिंह राजपूत की अगर सुसाइड की, हमें बहुत दुख है, सुसाइड करना नहीं चाहिए था। अगर कोई जांच में आ जाए कि किसी का षड्यंत्र था तो जिसका षड्यंत्र है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप टेलीविज़न वालों की वजह से, टीआरपी बढ़ानों की वजह से, आप टेलीविज़नों के मालिकों को किस तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ानी है, सरकार के साथ में तालमेल बैठा के किस तरीके से पेश करनी है, ये हमें नहीं पता। नहीं तो यार क्या हो गया, जो लाखों झुग्गी झोपड़ियां, लाखों घर गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के इस देश में टूटते हैं, आपके टेलीविजन में खबर नहीं चलती? और एक फिल्म एक्ट्रेस की के घर अगर गैर कानूनी टूट गया तो 20 दिन खबर चल रही है, क्या है मीडिया? दूसरा, हमें दुख है उनका सुसाइड करने का और उनकी मौत का, लेकिन यहाँ जो खबर लगातार 2 महीने से टेलीविज़न पे जब देखो वही, जब देखो वही, जब देखो वही, वही खबरें चल रही हैं। इवन पार्लियामेंट में भी आके जया बच्चन और रवि किशन आपस में लड़ रहे हैं। अरे हम रवि किशन जी हमारा बढ़िया मित्र है, जया बच्चन भी हमें जानती है, हम दोनों कहना चाहते हैं इन हरकतों ओछी चीज़ों पर आपस में लड़ना बंद करो, और देश में जब गरीब और मजदूरों को बेघर करा जाए उस पर लड़ो, और जब इस देश में हजारों लोग, लाखों लोग जहां सुसाइड कर रहे हों, किसान जब लड़ना शुरू करो इस पर, छोड़ो इन चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यह सांसद मलूक नागर जो बड़ी बेबाकी से बताया कि आखिरकार किस तरीके से किसान बिल जो है उसमें क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ, और साथ ही कंगना वाले मामले में उन्होंने बोल दिया मुद्दे बहुत हैं, इस मुद्दे पर चर्चा अब बंद हो जानी चाहिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।